प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की हमारे सगुण भक्ति धारा के महान कवि कृष्ण भक्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। कवि सूरदास, जिनका जन्म, जिनका हम नाम सूरदास के रूप में जाने जाते हैं, ये जन्म से ही अंधे थे, इसलिए इनका नाम सूरदास पड़ा। इनके पिता का नाम रामदास था और इनका जन्म 1540 में सिही ग्राम नामक स्थान पर हुआ है। कुछ लोग इन्हें रुणता नामक स्थान भी इसका मानते हैं, लेकिन इस जन्म को लेकर के ये विवाद है। इनके गुरु वल्भाचार्य जी माने जाते हैं, गुरु वल्भाचार्य, और इनका जो मत है वह है पुष्टि मार्ग से प्रभावित, और इसके अलावा इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, ये शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो भक्ति है वह सक्य भाव की भक्ति रही है। इनकी भक्ति में कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही आकर्षक चित्रण हुआ है, और इनकी मृत्यु 1620 में इनकी मृत्यु मानी जाती है, पारसोली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से ये सूरदास का एक सामान्य परिचय था। इनकी तीन रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, एक तो सूर सागर जिसमें 1,25,000 पद हैं कृष्ण भक्ति के, दूसरा है सूर सारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। ये तीनों ही प्रमाणिक ग्रंथ है सूरदास के कृष्ण भक्त कवि के रूप में, वात्सल्य सम्राट कवि के रूप में साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। आज भी जब हम सूर की बात आती है तो स्वयं अपने आप में कृष्ण भक्ति का जगमगाता हुआ दीपक या दिव्य अनुभूति हमें अपने हृदय में होने लगती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे कवि सूरदास के बारे में और उनकी भक्ति भावना के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर तुम्हारी परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि सूर की भक्ति भावना को स्व उदाहरण स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बीए पार्ट फर्स्ट के हिसाब से यही पूछा जाता है। अब भ्रमर गीत को थोड़ा घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं, लेकिन पहला जो हमारा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो यही है कि सूर की भक्ति भावना पर अपने विचार लिखिए। सूर की भक्ति पुष्टि मार्ग से, जैसे कि बताया, ये अष्ट छाप के कवियों में महान कवि माने जाते हैं और इनकी काव्य की भाषा ब्रज भाषा रही है। ये ध्यान रखना है हमें, इनकी भाषा ब्रज रही है और ब्रज के सरल रूप को उन्होंने अपनी काव्य में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आज हम सूर के इसी प्रश्न का आरंभ करते हैं। तो सूरदास के किसी भी आरंभ कृष्ण को आरंभ करने से पहले हमें कवि के लिए कुछ लिखना पड़ता है, तो वो हम लिखते हैं। जयदेव की देववाणी की पीयूष धारा, जयदेव की वाणी की पीयूष धारा जो काल की पीयूष धारा, जो काल की कठोरता में, जो काल की कठोरता में दब गई थी, काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की लोक भाषा की सरसता में, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में, लोक भाषा की सरसता में प्रणीत होकर मिथिला की
मिथिला की अमराइयों में, मिथिला की अमराइयों में, मिथिला की अमराइयों में, अमराइयों में विद्यापति के कोकिल का इससे प्रकट, अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से, विद्यापति के कोकिल कंठ से, विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट होकर, कंठ से प्रकट होकर, यानी मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर, प्रकट होकर और आगे, प्रकट होकर आगे चलकर, आगे यानी प्रकट होकर आगे चलकर, आगे चलकर ब्रज की करिल कुंजों के बीच, ब्रज की करिल कुंजों के बीच, कुंजों के बीच बीच फेल कर, बीच फेल कर मुरझाए मनों को, मुरझाए मनों को, मुरझाए मनों को सींचने लगी, उनों को सींचने लगी, सींचने लगी मुरझाए मनों को आचार्यों की छाप लगी, आचार्यों की छाप लगी हुई, लगी हुई आचार्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएं, आठ वीणाएं, आठ वीणाएं, आठ वीणाएं कृष्ण की प्रेम लीला, कृष्ण की प्रेम लीला, कृष्ण की प्रेम लीला, कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन, कीर्तन करने उठी उनमें सबसे मधुर, उनमें सबसे ऊंची, उनमें सबसे ऊंची और मधुर ध्वनि, उनमें सबसे ऊंची और मधुर ध्वनि अंधे कवि, अंधे कवि सूरदास की, अंधे कवि, अंधे कवि सूरदास सबसे उनमें सबसे ऊंची और मधुर ध्वनि, ध्वनि अंधे कवि सूरदास, अंधे कवि सूरदास की वीणा, अंधे कवि सूरदास की वीणा थी जो सर्वाधिक आकर्ष और सुंदर रूप में प्रस्तुत हो रही थी, सूरदास की थी, सूरदास कृष्ण भक्ति के सम्राट कवि माने जाते हैं।
सूरदास ने सूर सागर जैसे महाकाव्य में सूरदास ने सूर सागर जैसे महाकाव्य में भक्ति का विशाल विशाल समुद्र लहराता हुआ नजर आता है। यानी कि सूर सागर जो लिखी थी, जो 125,000 पद है, उसी में आपको सूर सागर में ही आपको भ्रमर गीत मिलेंगे। 47-46 अध्याय में सूर सागर की बात कही गई है। सूर सागर जैसा महाकाव्य, जो एक विशाल महाकाव्य है, जो भक्ति का विशाल समुद्र लहरा हुआ था, नजर आता है। सूर की भक्ति के रूप अनेक है, किंतु सख्य भक्ति इनकी प्रमुख भक्ति रही है। सूरदास ने कृष्ण भक्ति में वात्सल्य रूप का जैसा सूर ने कृष्ण भक्ति में वात्सल्य रूप का जैसा वर्णन इन्होंने किया है वैसा कहीं देखने को नहीं मिलता, कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। वे मात्र हृदय का कोना कोना झांक आए हैं। बाल सुलभ क्रीड़ाएं इनके काव्य की विशेषताएं हैं सूर की पक्ति कुष्टी मार्ग से प्रभावित है। सूर की भक्ति पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। सूर की भक्ति के स्वरूप को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर की जो भक्ति है वो किस रूप में प्रकट हुई है, कवि ने इसे स्पष्ट किया है। सबसे पहले जयदेव की देववाणी की पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी,
अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणित होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट होकर आगे चलकर करेल की कुंजों में बीच फेल मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी आठ विनाए कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी। उसमें सबसे ऊंची और मधुर ध्वनि अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सूरदास कृष्ण भक्ति के सम्राट कवि माने जाते हैं। सूर ने सूर सागर जैसे महाकाव्य में भक्ति का विशाल समुद्र लहराता हुआ नजर आता है। सूर की भक्ति के रूप अनेक हैं, किंतु सक्य भक्ति इनकी प्रमुख भक्ति रही है। सूर ने कृष्ण भक्ति में वात्सल्य रूप का जैसा वर्णन इन्होंने किया है वैसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। वे मात्र हृदय का कोना कोना झांका है। बाल सुलभ क्रीड़ाए इनकी विशेषताएं हैं। सूर की भक्ति पुष्टि मार्ग से भी प्रभावित है। सूर की भक्ति के स्वरूप को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। तो किस प्रकार से ये एक पृष्ठभूमि है किसी भी भक्ति की, इसको कृष्ण को प्रारंभ करने से पहले हमें किस रूप में उसको लिखना है ये हम बताएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो भक्ति है वो है भक्ति में विनय की, पहला जो है भक्ति में विनय की, विनय भाव की, भाव की अनुभूति, पहला जो हमारा मुख्य बिंदु है भक्ति में विनय, विनय भाव की भक्ति में विनय भाव की अनुभूति, जिसे हम दास्य भाव भी कह सकते हैं, निवेदन करना ईश्वर से अपने उद्धार के लिए, या हम दास्य भाव की भक्ति भी इसे कह सकते हैं। किस तरह से सूर ने इस भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया, भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम उनकी विनय पदों में, उनके विनय पदों में, उनके विनय पदों में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। यानी कि भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम उनके विनय पदों में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये विनय के पद हैं वो सर्वाधिक हमारे सूरदास ने लिखे हैं, विनय के पदों में मिलता है। वल्भाचार्य से दीक्षित होने के कारण भक्ति की पद होने के दीक्षित होने के कारण इनकी भक्ति में दैन्य भाव निर्गुण उपासना जाति पाति का विरोध वेद शास्त्र की निंदा वेद शास्त्र की निंदा, वैराग्य का महत्व आदि रूपों में, यानी वैराग्य का महत्व आदि रूपों में भक्ति का रूप
देखा जा सकता है। यानी कि इन्होंने भी अपनी भक्ति में अन्य कवियों की तरह इन्होंने भी भक्ति में वेद शास्त्रों की निंदा की है, जाति पाति का विरोध किया है, वैराग्य का महत्व बताया है। ये सभी विनय पदों के कारण ही हो सका है। अब इन विनय पदों की क्या विशेषता रही है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से विनय संबंधी पदों में ये किसी भी कृष्ण का आरंभ था जो हमें इसी रूप में करना है। और हमारा चल रहा है भक्ति में विनय पद, विनय का स्वरूप, यह हमारा शुरू का आरंभ इस तरह से ही हमें लिखना है ताकि अच्छे से अच्छा अंक हमें मिल सके। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आरंभ करने का एक तरीका होता है, उसी तरीकों को हमें अपनाना है, लिखना है, तभी हमें अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो इस तरह से सूर की विनय संबंधी पदों में उनकी विनय भावना को किस रूप में देखा जा सकता है। हमारा पहला ही चल रहा है भक्ति में विनय, विनय भाव की अनुभूति, अनुभूति यह हमारा चल रहा था। सूर ने अपनी भक्ति में कृष्ण को स्वामी तथा स्वयं को उनका दास कहा है। वे कृष्ण से विनय पूर्वक वे कृष्ण से विनय पूर्वक भक्ति वे कृष्ण से विनय पूर्वक भक्ति का आग्रह करना चाहते हैं। आरंभ में सूर के पद विनय भक्ति को ही दर्शाते हैं। इसमें स्वयं को छोटा दीनहीन स्वयं को छोटा दीनहीन मानना और कृष्ण को उद्धार करने वाला मानना विनय के ही पद विनय भाव को ही प्रकट करते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जो विनय के भाव को प्रकट करते हैं, हम भले बुरे तो तेरे चाहे हम भले हों या बुरे हों तो भी हम तेरे हैं। तुम्हें हमारी
लाज बढ़ाई, लाज बढ़ाई, लाज बढ़ाई। विनती सुन ले प्रभु मेरे, विनती, विनती सुन ले प्रभु मेरे। ये बात सूरदास ने कही है, ईश्वर से अपने अनुरोध किया है कि वो उसकी रक्षा करे। हम भले हों बुरे हों जैसे भी हों, आपके परम भक्त हैं, आपसे विनय करना चाहते हैं, आप हमारा उद्धार करें। इस प्रकार इन पदों में विनय की भावना का इस प्रकार इन पदों में विनय की भावना का उदय हुआ है। भले बुरे जैसे भी भक्त हैं आपकी कृपा दृष्टि से ही है। ये कहा है किसने? सूरदास की विनय संबंधी भक्ति से, आपकी कृपा दृष्टि से ही ये बात कही गई है। तो इस प्रकार से ये विनय संबंधी पद है। अब हम दूसरा लेते हैं भक्ति में, दूसरा पुष्टि मार्ग की भक्ति। पुष्टि मार्ग से तात्पर्य है कि कहने का मतलब होता है कि पुष्टि का मतलब होता है प्रमाणित होना। किसी भी भक्ति के लिए किसी भी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, बस वह प्रमाणित है। इसलिए पुष्टि मार्ग ये भक्ति को, यानी कि भगवान के प्रति अनुग्रह को ही पुष्टि कहा गया है। ईश्वर के प्रति जो अनुग्रह है उसे ही पुष्टि की संज्ञा दी गई है। तो अब हमारा है दूसरा पुष्टि मार्ग की भक्ति। पुष्टि मार्ग की भक्ति। सूर्य की भक्ति पुष्टि मार्ग से प्रभावित भक्ति है। पुष्टि मार्ग से प्रभावित भक्ति है। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के संपर्क में आने वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से वे पुष्टि मार्ग के परम भक्त बन गए। बन यानी सूरदास के लिए वे परम भक्त बन गए। पुष्टि से तात्पर्य है भगवान का अनुग्रह होता है, यानी ईश्वर का आशीर्वाद या ईश्वर का प्रभाव, ईश्वर की भक्ति का जो रूप है वो अनुग्रह होता है। पुष्टि मार्ग में भक्ति के तीन रूप मिलते हैं, तीन रूप
तीन रूप मिलते हैं, भक्ति के तीन रूप मिलते हैं, पुष्टि मार्ग में भक्ति के तीन रूप मिलते हैं, जिसमें एक तो स्वरूपा भक्ति, स्वरूपा भक्ति रूप सौंदर्य का चित्रण इसमें किया जाता है, रूप स्वरूपा भक्ति लीला शक्ति, दूसरा है लीला, लीला भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति को लीला के रूप में चित्रित करना, तीसरी है वह है भाव शक्ति, भाव भक्ति यानी भक्ति का जो भाव है उसी भाव को शामिल किया गया है, ये तीन प्रकार की है। सूर ने इनमें लीला भक्ति को अपनाया है। तो सूर ने यानी कृष्ण की लीलाओं को सर्वाधिक महत्व दिया है। सूर सागर में कृष्ण की अनेक लीलाओं का बखान किया गया है यानी सूर सागर में कृष्ण की अनेक लीलाओं का बखान किया गया है। 125,000 पद कृष्ण भक्ति के रूप में ही। तो इस प्रकार पुष्टि मार्ग की भक्ति सूर की भक्ति पुष्टि मार्ग से प्रभावित भक्ति है। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर वे पुष्टि मार्ग के परम भक्त बन गए थे। पुष्टि से तात्पर्य है भगवान का अनुग्रह यानी आशीर्वाद या उनका प्रभाव होता है। पुष्टि मार्ग भक्ति के तीन रूप मिलते हैं, एक स्वरूपा भक्ति, लीला भक्ति और भाव भक्ति, या जिसे भाण भक्ति भी कहा गया है, लेकिन हम भाव भक्ति को ही इस रूप में मानेंगे, भाण भक्ति नहीं होता वो। सूर ने अपने लीला भक्ति को अपनाया है, सूर ने कृष्ण की अनेक लीलाओं का बखान किया है, 125,000 पद कृष्ण की भक्ति के रूप में डूबे हुए हैं, सूर सागर इसका प्रमाण है। पुष्टि मार्ग भक्ति में माता यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य लीला का उल्लेख इस प्रकार है। ये उदाहरण देखिए, उदाहरण है जो पुष्टि मार्ग को ही जसुमती मन अभिलाष करे कब मेरो लाल गुटरुवन यानी घुटनों के बल रेंगे यानी रेंगेगा, कब धरती पग द्वेक धरे। तो इस तरह से माता यशोदा मन में अभिलाषा करती है
कि वह सौभाग्य प्राप्त कब होगा, जब मेरा लाल घुटनों के बल चलेगा और दो पग धरती पर अपने आगे बढ़ाएगा, तो वह दिन मेरी यानी माता के लिए सौभाग्य का दिन होगा। तो ये लीला भक्ति का ही एक पुष्टि मार्ग का ही एक अंश है। ये स्वरूपा भक्ति में तो कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है, तो लीला भक्ति में उनके बाल रूप से लेकर के जितने भी उनकी लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, उन सभी को इस भक्ति में, और भाव भक्ति में तो जितने भी भक्ति के स्वरूप है उन सभी भक्तियों को, स्वरूपों को शामिल किया गया है। इस प्रकार सूर्य की भक्ति में लीला भक्ति को महत्व दिया गया है, लीला भक्ति को महत्व दिया गया है। सूर सागर कर्मे भ्रमर गीत भी लीला भक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये पुष्टि मार्गीय भक्ति का जो स्वरूप था, इसके बारे में कल सूर्य ने हमारे सामने उस स्वरूप को प्रस्तुत किया, किस तरह से पुष्टि मार्ग की भक्ति को वो सामने रखा है। अब आता हमारे भक्ति के ही स्वरूप में तीसरा जो पॉइंट होगा वो हमारा है भक्ति में सत्य भाव की अनुभूति। सत्कार मतलब होता मित्र का मतलब, यानी कि यहाँ पर जो भक्त कवि हैं वो क्षण उस परम परमेश्वर अर्थात कृष्ण के एक मित्र के रूप में, एक बाल रूप में ऐसा लगता है कि वह आला बाला या जितने भी उनके जो साथी थे खेलने वाले, उन्हीं के समान वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये तीसरी भक्ति है वो है सख्य भाव। सूर्य की भक्ति में सख्य भाव, सखा का मतलब होता है मित्र, अर्थात मित्रता का भाव। सूर्य सागर में इसी भक्ति को महत्व दिया गया है, इसी भक्ति को स्वीकार किया गया, है। सूर की सख्य भक्ति में वे भी कृष्ण की बाल सखा बनकर कृष्ण के साथ में अनेक लीलाएं कर रहे हैं। सूर सागर में इसी भक्ति को स्वीकार किया गया है। सूर की सख्य भक्ति में वे भी, यानी कृष्ण, यानी यह सूर भी कृष्ण के बाल सखा बनकर के कृष्ण के साथ में अनेक लीलाएं कर रहे हैं। यानी जिस तरह से उनका एक मित्रता सुदामा,
सुदामा के समान, सुदामा के समान मित्र बनकर कृष्ण के साथ में सुदामा के समान मित्र बनकर कृष्ण के साथ में लीला अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। यानी कृष्ण सुदामा के समान मित्र बनकर कृष्ण के साथ में लीला अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। सूर की भक्ति में सूर की भक्ति में सक्य भाव को सबसे अधिक सूर की भक्ति में सक्य भाव को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। रूठना मनाना रीझना खींचना यानी गुस्सा करना, रूठना मनाना खींचना गाय चराना माखन खाना माँ से शिकायत करना ये सभी इसमें है। ये सभी सक्य भाव के रूप में देख सकते हैं, ये सभी सक्य भाव का ही अंश है।